हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नए ड्रामे के साथ। तो दोस्तों, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अच्छा भी है, तो आई होप कि आप सभी इस ड्रामे को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो ये कहानी है एक भोली भाली लड़की की, जो गलती से पंगा ले लेती है स्कूल के सबसे खतरनाक लड़के से, जिसे लड़कियों को बुली करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। वो लड़का हमारे फीमेल मेन लीड को बुली तो करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी फीमेल मेन लीड को बुली करते करते उसे उससे प्यार जो हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी में तो बहुत सारे ट्विस्ट है। तो इन सबको जानने के लिए आपको इस ड्रामे को पूरा तो देखना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों, इस प्यारे से ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामे की फीमेल मेन लीड से, जिसका नाम की मिमी होता है। और मिमी जब अपने रास्ते पर जा रही होती है, तभी उसकी एक दोस्त उसका वेट कर रही होती है, क्योंकि उससे आज मिमी के फेस पर केक लगा रहा था। लेकिन यहीं पर ही मिमी की नज़र उस पर पड़ जाती है, और इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो वहां पर से जैसे ही हटती है ना, तभी वो केक सीधे लगता है एक लड़के के मुंह पर, जिसका नाम की जांग होता है। जांग अपने स्कूल का सबसे पॉपुलर और सबसे बिगड़ा हुआ लड़का होता है, जिसे लड़कियों को बुली करने में काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ मिमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त के प्रैंक से बच गई थी। लेकिन उधर ही जांग को मिमी की दोस्त सेवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसके बात वो गुस्से वाली नजरों से उसकी तरफ देखने लग जाता है। इधर सेवी की हालत भी बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि उसे जांग के बारे में अच्छे तरीके से पता था कि जांग कितना खतरनाक लड़का है। जहां सेवी चार कदम पीछे जाती, उधर ही उसका पीछा करते करते जांग भी उसके साथ आता। सेवी को तो लग रहा था कि आज तो जांग उसकी हालत ही खराब कर देगा और उससे बहुत बुली करेगा। जैसे ही जांग उसके सामने आता है, तो वो उससे माफी मांगने लग जाती है। बट सेवी को इतना कांपते हुए देखकर उसकी दोस्त मिमी उसके आगे आ जाती है, और उसके बाद जांग से बोलने लग जाती है कि तुम इसे माफ कर दो, ये सब गलती से हुआ इससे, और अगर तुमने इसे टच भी किया तो मैं सीधे टीचर से जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जांग एक ऐसा लड़का था जिसे ना ही टीचर का डर था और ना ही बच्चों का। वो उसके कान के सामने आता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझे बहुत ही जल्द सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर मिमी गलती से उसका पैर दबाती है, जिसके कारण कि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। पहले ही गलती से मिमी की दोस्त ने जांग के फेस पर केक लगा दिया था, इससे जांग को गुस्सा आया था। और अब जब वो मिमी की इन हरकतों को देखता है ना, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही वो मिमी से कुछ भी कहने वाला होता है, तो मिमी वहाँ पे से भागकर चली जाती है, लेकिन उसका लेटर वहीं जांग के सामने गिर जाता है। मिमी ने जांग का पैर दबाया होता है, इसलिए उसके पैर पे दर्द हो रहा होता है, तो वो उनका पीछा नहीं कर पाता। लेकिन उसके साथ जो उसके दोस्त होते हैं, वो उनका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन मिमी अपने दोस्त का हाथ पकड़ती है, और उसके बाद उसे वहां पर से भगाकर दूर लेकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ जांग मिमी के लेटर को उठाता है, और उसके बाद अपने दोस्तों से बोलता है कि इस लड़की के बारे में पता करो, अब मुझे किसी भी हालत में इस लड़की के बारे में जानना है, क्योंकि आज तक मैंने पूरे स्कूल में ऐसी कोई भी लड़की नहीं देखी जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात भी करती हो, लेकिन ये तो मेरे पैर में लात मारकर चली गई। उधर ही मिमी अपनी क्लास में बैठकर ये सोचने लग जाती है कि पता नहीं आज किस फालतू इंसान से उसका पंगा हो गया, और वो विश करती है कि आज के बाद उसे जांग कभी भी ना दिखे। तो थोड़ी ही देर में हमें इस ड्रामे की एक और मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, जिसका नाम की काय है, और ये इस स्कूल के टीचर हैं। काय जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, इतने में ही वहाँ पर जांग की एंट्री होती है। तो काय सबको जांग से इंट्रोड्यूस करवाकर ये बोलते हैं कि अभी अभी इस स्कूल में आया है। लेकिन जांग जैसे क्लास में एंटर होता है, तो सबसे पहले तो उसकी नजर मिमी पर ही पड़ती है, और वो मिमी के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। लेकिन मिमी तो उसे अपने से दूर कर लेती है, और उससे बोलती है कि उधर जाकर बैठो ना, मेरे सामने क्या बैठ रहे हो। तो जांग उसके क्लोज आकर उससे बोलने लग जाता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने आकर बैठ गया। तभी काय उन दोनों की तरफ देखते हैं, और उसके बाद वो जांग से बोलते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो क्या। तो जांग से बोलता है कि नहीं, पहले से तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ आज सुबह हमारी मुलाकात हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को जानने लग गए हैं, और अभी तो शायद हम एक दूसरे को और जानेंगे। इन सारी बातों को सुनकर मिमी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जांग ऐसा क्यों कर रहा है। बट उसके बाद जोर जबरदस्ती करके जांग मिमी के साथ बैठ ही जाता है। जांग मिमी से बोलता है कि अब तक तुम
मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम मुझे ऑफिशियल तरीके से क्यों नहीं बताती हो? मैं तो तुम्हें अपनी वाइफ मान चुका हूँ। तो मिमी उससे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया क्या, मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हें कुछ पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हो गई है। तो इसी तरीके से मिमी जब कोई भी काम कर रही होती है तभी लांग उसके पास आता है और उसे दोबारा से परेशान करने लग जाता है। मिमी तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर थोड़ी देर में क्लास भी खत्म हो जाती है तो उसे क्लास से बाहर जाने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वो क्लास से बाहर जाती है तभी वहाँ पर जांग के दोस्त आते हैं और उसके बाद वो मिमी को देखकर हेलो भाभी करके बोलने लग जाते हैं। मिमी उनको देखकर बोलती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या, किसकी भाभी? बट थोड़ी देर में कैंटीन में जैसे ही मिमी खाना खाने के लिए जाती है तभी वहाँ पर वही लड़के आ जाते हैं और उसे दोबारा से भाभी कहने लग जाते हैं। यहीं पर ही वो लोग रुकते नहीं है बल्कि मिमी जब खेल भी रही होती ना तभी वो उसके सामने आकर उसे भाभी कहकर बोलने लग जाते हैं। तो मिमी समझ जाती है कि उन्हें ये सब करने के लिए किसी और ने नहीं बोला है बल्कि जांग ने ही बोला है, क्योंकि वो जांग के ही दोस्त होते हैं। इन सारी हरकतों को देखने के बाद मिमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके बाद जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तभी उसकी दोस्त उसे बंद कर लेती है। मिमी बैठकर वहां पर यही सोच रही होती है कि उसने जांग के साथ इतना भी थोड़ी बुरा किया था जो वो उसे इतना ज्यादा बुली कर रहा है। पता नहीं किस मनुष्य खड़ी में उसका जांग से पंगा हो गया, बट आज के बाद तो वो जांग की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। जब मिमी इस तरीके से अपने आप से बात कर रही होती है इतने में ही उसकी दोस्त वॉशरूम का लाइट भी बंद कर देती है। इन सारी चीजों को देखकर मिमी को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है और वो तेज चिल्ला चिल्ला कर बाहर पर बोलती है कि कौन बाहर पर खड़ा हो रखा है, और इसी तरीके से वो जोर जोर से दरवाजा भी खटखटाती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है क्योंकि उसके दोस्त ने तो उसे बाथरूम में ही बंद कर लिया था। मिमी वहाँ पर रोती है, सभी को हेल्प के लिए बुलाती है लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। लेकिन इतने में ही जो उसके दोस्त सैवी होती है वो बाथरूम के ऊपर से उस पर पानी डाल देती है जिसकी वजह से मिमी अंदर बैठी पूरी भीग जाती है। एक्चुअली में सैवी मिमी के साथ ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे मिमी से बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। वो जांग को पसंद करती थी लेकिन जांग अब पूरे स्कूल में बस मिमी को ही अटेंशन दे रहा था और सैवी को ऐसा लगता है कि अगर मिमी उस दिन जांग से पंगा नहीं करती तो वो वही अटेंशन आज सैवी को देता और जिसकी वजह से वो पूरी स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो जाती। सैवी ही नहीं बल्कि स्कूल की जितनी भी लड़कियां होती है वो मिमी को अब बुली करने लग गई थी क्योंकि उसका नाम स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जांग के साथ जो जुड़ गया था। तो इसीलिए मिमी को जितना भी गुस्सा आ रहा था वो किसी और पे नहीं बल्कि जांग पे आ रहा था क्योंकि ये सब उसके साथ जांग की ही वजह से हो रहा था। वो जैसे ही वहां पर से जा रही होती है तभी जांग उसके सामने आता है और उस पे हंसकर उससे कहने लग जाता है कि यहां तो बारिश नहीं हो रही लेकिन फिर भी गीली कैसे हो गई। तो मिमी को उस पर गुस्सा आता है और वो उससे बोलने लग जाती है कि तुम हमेशा मेरी के साथ ऐसा करते हो, मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूं, तो इस तरीके से पूरे स्कूल में मेरे पीछे मत घूमा करो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, स्कूल की हर लड़कियां मुझे ताने मारती हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन तुम मुझे मिले नहीं होती ना तो तभी ठीक होता। वैसे तुम तो मेरी बातों को क्या ही समझ पाओगे क्योंकि तुमने तो आज तक हर लड़की को बुली ही किया है और मुझे पता है कि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है ना इस सब के पीछे तुम्हारी प्लानिंग है क्योंकि तुम मुझे बुली करना चाहते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये बोल रही हूँ कि जो कुछ भी उस दिन हम दोनों के बीच में हुआ था उससे मैं तुम्हारे माफी मांगती हूँ, बट प्लीज तुम मेरा पीछा करना बंद करो क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना तब से मेरी लाइफ पूरी बेकार हो चुकी है। तो जांग उससे बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे ये सारी बातें बोल रही हो लेकिन तुमने ही तो लेटर में लिखा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो मिमी उससे बोलती है कि कौन सा लेटर? इतने में ही तो जांग उससे बोलता है कि जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी ना उस दिन तुम्हारा लेटर मेरे सामने गिरा था और वो लेटर मैंने जैसे ही खोलकर पढ़ा तो मुझे पता लगा कि तुम मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हो, और भले ही आज से पहले मुझे काफी लड़कियां पसंद करती थी लेकिन किसी ने भी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। हाँ भले ही मैं पहले तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था ताकि मैं तुम्हें बुली कर सकूं लेकिन अब मैं तुमसे जेन्युइनली प्यार करता हूं और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई भी स्कूल में परेशान करे तो तुम डायरेक्ट मुझे बता देना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तो मिमी उससे वो लेटर छीनती है और उसके बाद उससे बोलती है कि तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है, आई नो कि ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा ही होगा, वरना तुम्हारे जैसा इंसान ना तो कभी किसी की फीलिंग की कदर कर सकता है और ना ही कभी किसी के इज्जत की। और सच बताऊं तो तुम्हारे जैसे ऐसे स्टोन हर्ट लड़के से तो मैं कभी भी प्यार ना करूं क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। इस तरीके से जैसे ही वो वहां पर से जा रही होती है तभी वहां पर उन दोनों को उनके टीचर दिख जाते हैं, एंड जो उनके टीचर होते हैं वो और मिमी एक दूसरे को पहले से ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट वो दोनों रिलेशन में भी होते हैं। काई जैसे ही मिमी और जांग को साथ में देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पहले से ही उन दोनों की रूमर्स पूरे स्कूल में फैल चुकी थी और जो लेटर उस टाइम जांग के सामने गिरा था वो एक्चुअली में जांग के लिए नहीं था बल्कि में काई के लिए था। बट जांग को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उस लेटर में लिखा हुआ था वो किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए लिखा हुआ था।
बट जांग को ऐसा लगता है कि मिमी ये सब झूठ बोल रही है क्योंकि वो उससे अपनी फीलिंग्स छुपाना चाहती है। बट जांग ने भी ये सोच लिया था कि वो मिमी को अपना बना कर ही रहेगा। तो इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।